अब्बास की अम्मी रुखसार जो कि आज अब्बास ने जो पूरा दिन मेहनत की, पूरा दिन जो कमाई की, आज वो शाम को अपने घर लौटा है और अपनी दो जून की अपने परिवार के लिए जो भी कुछ लाया है उसकी हांडी रखी हुई है, उसकी सब्जी बन रही है, उसका खाना तैयार हो पा रहा है पूरे परिवार में। ये है अब्बास का परिवार। गले में कंठ तो दिया है लेकिन अल्लाह मियां ने, ऊपर वाले ने उसके हाथों की रेखाओं में वो मुकद्दर नहीं लिखा जो शायद सोच रहा है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज आपको ऐसी खबर से जोड़ रहा हूं। वाकई आज पूरे दिन नगर में बांसुरी की चर्चा रही, बांसुरी की चर्चा रही। मेरे साथ जो बराबर में खड़े हुए हैं, यूं तो झुग्गी झोपड़ी से ताल्लुक रखते हैं लेकिन जो गले में मिठास और जो गले में कंठ दिया है बांसुरी बजाने का, वो वाकई ऊपर वाले ने फरिश्ता भेज दिया है इनके गले में। आज पूरा सुबह से सोशल मीडिया पे बड़ी हाईलाइट रही है बांसुरी। हमारे पास भी फोन आए थे, काफी तलाश करने के बाद हमको बहीपुर दुराहे के पास नाम है बांसुरी बजाने का। मैं बताता चलूं, नगर में जब बांसुरी बजाते हुए जा रहे थे, बांसुरी बजाते बजाते मेरे मित्र शोभित गुप्ता की इन पर नजर पड़ी। वाकई बांसुरी में जो आवाज थी, बांसुरी की जो धुन थी, बांसुरी की जो धुन थी वो शोभित गुप्ता को बड़ी पसंद आई। उन्होंने अपने शोरूम पर उनको बुलाया, शोरूम पर उन्होंने के बाद सोचा कि शायद एक ही धुन शायद उनको याद होगी, उसी को रिपीट कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, जो शोभित गुप्ता ने कही उसी धुन को उसने बजाया। ये सबसे बड़ी काबिलियत की बात है। शोभित गुप्ता ने वाकई उसका हौसला बढ़ाया और उनकी जो टीम थी उसने भी हौसला बढ़ाया। मेरे साथ अब्बास हैं। अब्बास क्या करते हो बेटा, क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्बास है। मैं खेल मैजिक शो दिखाता हूँ। मेरे पापा वैसे पैरों से चल नहीं पाते इतना, मेरे पापा, तभी मैं जाता अपने घर में, मैं ही बड़ा हूँ अपने बहन भाइयों में, मैं जाता तो मैं घर का खर्चा पानी करता हूँ मैं। कितनी मजदूरी, कितनी पैसे ले लेते हैं आप इस बांसुरी? अब जितने मुझे नसीब में हो जितने मिल जाए, कुछ पापा के इलाज में भी लग जाते हैं, कुछ खाना भी बना लेता है इसलिए। लगभग कितनी आय हो जाती है, अर्निंग कितनी हो जाती है इससे? कैसे 100, 150, 200, 300, 500 जितने मिल जाए। दिन भर में 100 से 150 रुपए तक की अर्निंग होती है। पूरी आवाज, पूरी गले को सुखाने के बाद इतनी अर्निंग हो पाती है 150। उसके बाद परिवार का इलाज होता है, उसके बाद पिता का इलाज होता है, घर में खाने को सब्जी जाती है। जब जबकि अब्बास पूरा दिन के बाद शाम को घर पहुंचता है, ये बड़ी बात है। तो मैं उस धुन को सुनाना चाहता हूं, जिस धुन को सुनने के लिए आप सबने मुझसे कहा और आपके सबके मेरे पास फोन भी आए। अब्बास उस धुन को सुनाओ जो कि आज सुबह से आप सुना रहे थे सोशल मीडिया पर, हाईलाइट हो आप आज। अब्बास कौन सी फिल्म की धुन थी है? ये हीरो मूवी की, हीरो मूवी जिसमें ये जेगी सरोफ ने बजाई थी। ये बिल्कुल सही बात है, आपने भी वो धुन सुनी होगी। लेकिन अब्बास की बांसुरी से जो आज धुन सुनी है, बाकी उस हीरो फिल्म को हमें, उस मूवी को याद करा दिया, उन पलों को याद करा दिया जो हमने देखे थे। अब्बास और कौन सी धुन सुना सकते हो आप? और भी मुझे आती है निरी, सुना सकता हूँ मैं। एक आध और धुन सुनाइए। ये कौन सी धुन थी आपके समझ में आई क्या? नहीं, हमारी समझ में नहीं आई। भीगा भीगा समा
ऐसे मेर तू का मेरा दिया पुकारे आजा। अच्छा अब्बास, ये सारी चीजें हो चुकी हैं, इस बांसुरी से आप अर्निंग भी करते हैं, क्या कभी मन में आया कि मुझको किताबों से भी बात करनी चाहिए? लेकिन किताबों को कब से नहीं देखा होगा आपने? मैंने खैर मेरा एक जगह ठिकाना ही रहता है जी। अभी मैं यहाँ पे हूँ, कल परसों मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं रहता है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ फिर पल्ली तरफ में और दो चार दिन रुकूंगा, महीने दो महीने, फिर आगे चला जाऊंगा। अच्छा, पढ़ना चाहते हो आप? पढ़ना चाहते हो लेकिन रहते नहीं हम एक जगह। एक जगह नहीं रहते, लेकिन जब एक जगह रहकर आप पढ़ोगे तो शायद सब जगह पहुंच पाओगे। ऐसा अगर कोई आपको मेरे चैनल के माध्यम से ऐसा समाज से भी मिलता है आपसे और वो कहता है कि हम आपके पढ़ने का खर्च उठाएंगे, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, तो क्या रहेगा? आप उससे पढ़ना चाहते हैं? तो फिर जब हम एक जगह रहेंगे ना तो फिर कैसे पढ़ पाएंगे? सारी व्यवस्थाएं वो करेंगे आपके रहने की भी, क्योंकि आज 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 और जो हमारे पापा जी का इलाज फिर कौन करेंगे? सब भगवान कराता है, सबका इलाज भगवान कराता है, और सबका अल्लाह भी इलाज कराता है। अगर आप उनको सपुर्द खुद छोड़ के जाएंगे और आपको जो समाज सेवी संस्थाएं पढ़ाना चाहती हैं, आप इल्म हासिल करेंगे, तो मैं समझ सकता हूं कि जो आज आप पैसों की अर्निंग 100-150 कर पा रहे हैं, शायद ये पैसा मुट्ठी भर के भी आपके पास हो सकता है। अब ये भी बात आप सही कह रहे हो, पर ये भी बात है कि मैं अपनी बांसुरी खेल तमाशा दिखा के जितने भी कमाता हूँ, ये सब पापा की, पापा ने ये मुझे कलाकारी सिखा रखी है। अब ये पापा मुझे, अगर जो मेरे पापा अगर मुझे नहीं सिखा पाते तो मैं ये भी नहीं कर पाता। ये वाकई वो चंचल आवाजें हैं जो हम सुन पा रहे हैं। पिता को नहीं छोड़ना चाहता, परिवार को नहीं छोड़ना चाहता, पढ़ना भी चाहता है। वो समाज सेवी संस्थाएं जो आज सुबह से अब्बास की बांसुरी की धुन को सुन पा रहे हैं, वो उसको पढ़ाना चाहते हैं। मेरे माध्यम से एक भजन भी सुनाया था, शायद मैं सुन पा रहा था, कौन सा था वो सुनाया? यशोदा मैया, हाँ। सुना है बचपन में गाना? अब देखो अब हमारे पापा ये सुनेंगे। इस बांसुरी की धुन को सुना, अब्बास के पिता हैं जी। अब्बास ने आज बांसुरी बताई थी, सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रहा है अब्बास जी। अब्बास चाहता है कि मैं बांसुरी की धुन से नहीं, कलम की रोशनी से दुनिया में नाम रोशन करूं, तो क्या वो इजाजत आप इसको दे पाएंगे? जी हाँ। अब्बास के पिता कह रहे हैं वाकई अगर अब्बास पढ़ना चाहता है तो मैं चाहता हूँ कि अब्बास इतनी पढ़ाई करे, इतना हमारा नाम रोशन करे कि आसमान की बुलंदियों पे हमारा नाम लिखा जाए। और वो संस्थाएं जो अब्बास को पढ़ाना चाहती हैं, वाकई उनकी भी बारंबार तारीफ और उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं का विषय है। बात भी करेंगे उन संस्थाओं से, किस तरीके तक वो अब्बास की पढ़ाई और अब्बास के सारे खर्च को वहन कर सकते हैं, ये सारी बातें भी होंगी। चले मैं साथ, क्योंकि संस्थाएं आ रही हैं और अब्बास को आज जो अब्बास ने पूरे जहांगीराबाद में बांसुरी की आवाज से आवाज गूंज रही है, सभी मोबाइलों पर मैं देख पा रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, आज कुछ संस्थाओं को सेलिब्रेट करने आई है, उसके साथ वो पलों को भी उसके साथ उस मौके को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसको कुछ देना भी चाहते हैं समाज के माध्यम, समाज से भी कोई। तो चलिए सर मेरे साथ अब मैं उन्हीं के पास, अमित भाई की धर्मपत्नी जी, क्योंकि आज बांसुरी का जो सुबह से सोशल मीडिया पे हाईलाइट थी उसी को लेकर उनको कुछ गिफ्ट, उनके खाने की चीजें और उनको कपड़े के पहनने के लिए कपड़े पूरे परिवार को दे रहे हैं। वाकई हम चाहते हैं ऐसे लोग जो घर से निकले और पूरा खाने का सामान दिया है उनको, उनके हौसले, उनके
कैची के सर लेके आए, भी आइए इनके लिए। ये अब्बास को कपड़े दे रहे हैं, एक इसकी बेटी के भी थे। हाँ इसके, ये देखो कपड़े लेके आए हमारे सर जी। तुम दो, तुम दो, बेटी को भी दे रहे। पीछे चलो बेटा, पीछे चलो बेटा, बेटी को भी एक, बेटी को भी कपड़े दिए गए हैं। पूरे परिवार ने कपड़े दिए हैं, तो पूरे परिवार को शोभित गुप्ता जी धर्मपत्नी की तरफ से उनका हौसला बढ़ाया है और उनको कपड़े भी दिए हैं। खाने का सामान है, सारी चीजें हैं। चलिए हम उनसे दो शब्द पूछते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। मेरे साथ नेहा गुप्ता जी है, मैं पूछूंगा, आज आप इन परिवारों के बीच आए हैं, उन गरीब चुगड़ झोंपड़ी के बीच आए हैं। वाकई ये सुबह से सोशल मीडिया पे था, हम भी देख पा रहे थे, कोई समाज से भी निकल कर आए, आप उसी कड़ी में निकल गए। क्या कहना चाहते हैं आप उनसे, क्या कहना चाहते हैं यार? आपको शोभित भाई, शोभित भाई आए हैं, शोभित भाई क्या कहना चाहते हैं आप इस परिवार के? किस तरीके से ऐसी प्रतिभाएं यदि बच्चों में देखने को मिलती है तो ये बात वाकई सच कही गई है कि कुदरत सबको सब चीज नहीं देती है। जी जी जी। किसी को प्रतिभा देती है, किसी को धन दौलत देती है और किसी को शिक्षा देती है। सब कुछ एक बच्चे में नहीं मिल पाता है, और इस बच्चे के लिए यदि ये पढ़ना चाहता है तो मैं पूरी तरह से इसकी मदद करूंगा। ये जिस स्कूल में एडमिशन चाहता है मैं उस स्कूल में इसका एडमिशन कराऊंगा, और इसको जो इसके लिए बन सकता है मुझसे वो मैं इसके परिवार के लिए करूंगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इस बच्चे के अंदर मुझे इतनी अच्छी प्रतिभा लगी कि ये बच्चा 5 रुपए 2 रुपए 10 रुपए मांगने आता है, लेकिन इस जैसा बच्चा यदि ये चाहे तो ये इंडियन आइडल का एक सरताज बन सकता है, और जंगीराबाद का नाम मैं समझता हूँ कि ये सुर्खियों में हो सकता है। लेकिन ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि इस बच्चे ने मुझे बताया कि भैया मैं बरेली रहता हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं होता है, मैं फुटपाथ पे रहता हूँ, कि आज मैं यहाँ, कल मैं वहां, परसों मैं वहां। लेकिन हम जैसे लोगों को या आप सभी को मैं आपके चैनल से नाजिम भाई एक बात कहना चाहता हूँ कि जो जितना जिसका सामर्थ्य है ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। दिन प्रतिदिन भगवान ने सबको दे रखा है, खर्च करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा निकलने के बाद भगवान किसी ना किसी रूप में उसका 4 गुना सबको दे देता है। लेकिन बस ये बच्चों को सब चीज समय से मिल जाए और इसको अच्छी शिक्षा मिल जाए, अब्बास को एक इसको अच्छी लाइन मिल जाए, एक अच्छा ट्रैक मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने माँ बाप का खर्चा क्या, ये 10,000 परिवार लोगों का खर्चा उठा लेगा। बिल्कुल सही बात कही है शोभित जी ने, स्टार बनाने का जो जिम्मा लिया है बाकी वो परिवार पर छोड़ गया, लेकिन अब्बास स्टार बनना चाहता है तो वो इतना स्टार बनेगा। मैं समझता हूँ ये जो उसकी चमक और खनक है वो सबको सुनाई देगी। क्या कहना चाहते हैं नेहा जी उन परिवारों से जो आप इन तरीके के साथ? हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि अब्बास की बांसुरी की आवाज है और जो जो यहाँ सहायता और एक मदद हुई है उसकी आवाज है वो पूरे देश में गूंजनी चाहिए। और मैं एक लास्ट नाजिम भाई के चैनल से आप सभी लोगों से एक बात और करना चाहता हूँ। देखो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि नाजिम भाई ये ऐसी प्रतिभाएं जंगीराबाद में दिखाते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये बिल्कुल निशुल्क सेवा है नाजिम भाई की तरफ से, और ये इतनी प्रतिभाओं को निखारते हैं जंगीराबाद में, हर बच्चे की पढ़ाई के लिए, खेल कूद के लिए, ऐसे छोटी छोटी प्रतिभाओं के लिए। नाजिम भाई से मैंने एक छोटा सा कॉल किया कि नाजिम भाई एक प्रतिभा है हमारे शहर में, आप प्लीज उसे निखारिए। तो एक बार नाजिम भाई ने मना नहीं किया, मैं एक बार आपका तहे दिल से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। शोभित भाई ने तारीफ ज्यादा कर दी, शायद इस लायक नहीं तो थे हम, लेकिन मैं चाहता हूं वाकई इस परिवार को, ऐसे परिवारों को आप हमारे चैनल के माध्यम से देखते हैं और आप पर कुछ भी मदद करने का जज्बा है तो ऐसे परिवारों की मदद जरूर करें। आज अब्बास की जो स्टार बनाने का जिम्मा लिया है शोभित जी ने, अगर उसका परिवार चाहता है तो वाकई स्टार बनेगा भी अब्बास। तो चलिए आप, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।